एसआई भर्ती के भविष्य के फैसले को लेकर अब उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। सीएम भजनलाल शर्मा द्वारा इस भर्ती को लेकर जांच के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी की दो बैठकें हो चुकी हैं और अब इनके बाद सीएम भजनलाल शर्मा को कमेटी की बैठकों की रिपोर्ट सौंपी जाएगी और सीएम भजनलाल शर्मा ही अब इस भर्ती पर अंतिम फैसला लेंगे। यदि सूत्रों की माने तो कमेटी की ओर से इस भर्ती को रद्द करने की सिफारिश की जा सकती है, क्योंकि जितने भी मामलों पर गौर किया है, जितने भी विभागों से बात की है, उनका यही कहना है कि भर्ती में फर्जीवाड़ा तो हुआ है। ऐसे में अब इस भर्ती को रद्द करने को लेकर कयास तेज हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी ओर जो ट्रेनी एसआई अपनी मेहनत और ईमानदारी से लगे हैं, उनका मन का डर भी सताने लगा है। उन्होंने किरोड़ीलाल मीना से गुहार लगाई है। सबसे पहले आपको कमेटी के संयोजक जोगाराम पटेल, इसके साथ ही चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा, वो हम आपको सुनाते हैं। सबका संकलन किया है, सारी बातें जो किसी ने बताई है वो सारी बातों, अनेक लोगों ने कहा था गर्मियाँ बहुत हुई, कुछ ने कहा था हम तो मेहनत करके बने, तो अपना अपना सब अपने अपनी बातें कही। कितने फीसदी मानते गड़बड़ी हुई? ये कितना फीसदी है ये निर्णय हमारे लिए संभव नहीं। लॉ ने अपना दिया, पुलिस ने अपना दिया, एसओजी ने फरमाया कि आज लॉ डिपार्टमेंट आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपके होम थे, आपके डीजी साहब थे, आपके अपने आरपीएससी से भी थे और एसओजी भी थे, तो इन्होंने अपनी अपनी राय व्यक्त करी और इसके अंदर जो गड़बड़ी है हुई हमें सब तथ्य प्रस्तुत किए। इसको कैंसिल करने के क्या रिपरकशन है, क्या सही है प्लस माइनस, और इसको नहीं करने के, ये सब चीजें हमने आज हमने डिस्कशन करी। अब इसके बाद क्या है कि अब हमारा जो है अब अधिकारियों के साथ जो है हमारा जो चैप्टर अब खत्म है, अब हम सबको बैठना है और हमारे साथ में हमारे गृह मंत्री जी हैं जिनका ये विभाग है, तो हम सब अभी हम बैठेंगे, आज भी बैठेंगे, हम कल भी बैठ के, और फिर हमारी जो रिपोर्ट हम प्रस्तुत कर देंगे, उसके बाद सरकार क्या निर्णय लेती है, निर्णय तो सरकार ही लेगी माननीय मुख्यमंत्री जी सब, तो हमारा जो कार्य है शीघ्र खत्म होने वाला है। तो सीएम सर कल तो भरपूर है, उसके बाद वो विदेश दौरे पर रहेंगे, तो क्या उसके बाद ही संभावना बनेगी निर्णय लेने की? पहले हम तो जल्दी कर देंगे इसको, जल्दी कर ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर निर्भर करता कब वो कब निर्णय ले रहे, क्या 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 प्रक्रिया अपना लेंगे, ये कह रहे हम कब देंगे इनको, है आप कोशिश करेंगे जल्दी, हमारी एक दो मीटिंग में कर लेंगे। आपने सुना कि जोगाराम पटेल और गजेंद्र सिंह खींवसर का यही कहना है कि कमेटी की ओर से लगभग अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और अब सीएम भजनलाल शर्मा को सौंपी जाएगी और सीएम भजनलाल शर्मा ही इस पर अंतिम फैसला लेंगे। तो वहीं दूसरी ओर अब जो ट्रेनी एसआई हैं, जो अपनी मेहनत और ईमानदारी से लगे हैं, उन्होंने किरोड़ीलाल मीना का रुख किया है। किरोड़ीलाल मीना को इन ट्रेनी एसआई ने खरी खरी सुनाई है, वो भी हम आपको सुनाते हैं। हम लोग हमारा करना चाहते हैं, हम मुझे डॉक्टर बनना है, अब मेरे पापा मुझे बनाएंगे और खुद वापस थानेदार की करेंगे, मेरे भाई को ना स्पोर्ट्स नेशनल करना है, स्पोर्ट्स करना है, वो खुद करेगा या हमारे पापा हमें करवाएंगे, या हमारा फ्यूचर की तो हमें देखना है ना, आप तो बस कुछ लोगों की वजह से आप तो सबको ये बोल रहे हो, सबको कर रहे हो, अब तो कुछ ही पकड़े गए ना, अब तो 800 में से कुछ ही तो गए हैं जो आप तो जेल और अगर हमारे पापा भी गलत है ना जेल भेजो ना, फिर हमारे पापा भी जेल गलत है ना तो बहने भी भेजो, बहने भी भेजो, कुछ नहीं बोलेंगे, पर आप तो कुछ लोगों की वजह सबको दे रहे हो, और हमारा कानून भी तो यही कहता है की 100 दोषी छूट जाए फिर भी एक निर्दोष को सजा नहीं होना चाहिए, आप तो एक ही वजह से सबको दे रहे हो। हमारा निवेदन ये था कि उनमें से यदि कोई अयोग्य है या गलत तरीके से आया या किसी अनैतिक गतिविधि के माध्यम से आया तो जांच में हम पूर्णतः सहयोग, जिस लेवल पे जांच जितनी चल सकती है, नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफ, जिस लेवल पे जा सकती है हम जांच का सहयोग करेंगे, लेकिन जो वास्तविक जो योग्य है सर, 18 में हम 250 लोग ऐसे हैं जो 2018 के वैकेंसी से सिलेक्ट नहीं हो पाए थे, लास्ट इंटरव्यू तक गए थे और उस 250 वापस आज सिलेक्ट हो गए 2021 वाली वैकेंसी में, तो 18 से लेकर आज 24 हो गया सर, 21 में हमने एग्जाम दिया, 22 में हमने फिजिकल दिया, 23 में इंटरव्यू दिया, लगभग 7 साल का प्रोसेस सर, 7 साल में हमारी परिवार की आर्थिक स्थितियां भी, मानसिक स्थिति, सामाजिक प्रतिष्ठा सब दाव पे लगी सर, यदि हम इस वैकेंसी से निकाल दिया जाता हम दर दर भटकने लायक कुछ नहीं, हमारे परिवार के पास हमारे पास सर जांच जो आपने सुना कि ये जो ट्रेनी एसआई हैं वो साफ तौर पर किरोड़ीलाल मीना से कह रहे हैं कि आप हमारे भविष्य के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, जो फर्जी अभ्यर्थी हैं उनको आप बाहर निकालिए, लेकिन हम अपनी मेहनत से लगे हैं,
हमारे को छोड़ दीजिए और इस भर्ती का पीछा भी छोड़ दीजिए। जब अभ्यर्थी अपनी बात रख रहे हैं तो किरोड़ी लाल मीना के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला है। ऐसे में अब देखना होगा कि सीएम भजनलाल शर्मा इस भर्ती पर क्या फैसला लेते हैं। आप देखते रहिए द नगरी न्यूज़, मैं हूं ललित वर्मा।